ओम शांति। 25 जुलाई 2022। मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा कहते कि हमें एक बाप को ही याद करने के बंधन में बंधना है, क्योंकि इस बंधन से हमारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और हम आगे विकर्म करने से भी बच जाएंगे। हर समय जब करण करावन हार बाबा याद रहेगा तो मैंपन का अभिमान भी नहीं आ सकेगा। फिर बाबा आज हमें कमल फूल समान पवित्र रहने की समझानी देते हैं। बाबा कहते हमें पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है, इसी से ही हमें राज तिलक मिलेगा। हमें हर रोज़ अपनी कर्मेंद्रियों को चेक करना है कि कभी किसी भी कर्मेंद्री से कोई गलती बार बार तो नहीं होती है, क्योंकि यदि हम कोई गलत कार्य बार बार करते हैं तो वो पक्का संस्कार बन जाता है। इसलिए नॉलेज की शक्ति से हमें उसे चेंज करना है, तभी हम सफल स्वराज्य अधिकारी बन पाएंगे। चलिए सुनते हैं बाबा की आज की मीठी मुरली। ओम शांति। मीठे बच्चे, पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। पहला प्रश्न, तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है? उत्तर, बाप को याद करने का बंधन। इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और आगे विकर्म करने से बच जाएंगे, आत्मा पावन बन जाएगी। दूसरा प्रश्न, भक्ति मार्ग का फैशन क्या है? उत्तर, बर्थडे, जयंती आदि मनाना, यह भक्ति मार्ग का फैशन है, परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं, क्योंकि जिनकी जयंती मनाते हैं उनको यथार्थ रीति जानते भी नहीं हैं। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब गीत बच्चों ने सुना, यह जो कुछ बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने ही बनाया है। जब भारत श्रेष्ठाचारी पूज्य था तो कोई भी भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं था, न वेद शास्त्र, न तप तीर्थ, दान पुण्य, कुछ भी नहीं होता था। यह सब भक्ति मार्ग में निकले हैं। गीत में पहले पहले कहते हैं तू प्यार का सागर है। जब एक बूंद पिलाते हैं तब हम यहाँ से पावन दुनिया में चले जाते हैं, परंतु प्यार पिलाया नहीं जाता, प्यार किया जाता है। ज्ञान अमृत पिलाते हैं, बाबा है ही ज्ञान का सागर। इतनी नदियाँ जो निकलती हैं उनका क्रिएटर कौन है? ज़रूर कहेंगे सागर है, उनसे ही सब नदियाँ निकलती हैं। तो ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा ठहरा, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकलती हो। भल उनकी महिमा है, वह प्रेम का सागर, सुख का सागर है। जब तुम ज्ञान पिलाते हो तब हम स्वर्ग में चले जाते हैं, सदगति को पा लेते हैं। बाप कहते हैं मुझ ज्ञान सागर को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पावन बन जाएंगे। ये पहले पहले कौन सुनता है? ये गुप्त बात हुई ना। गाते भी हैं तुम माता पिता, पिता तो है परंतु उन्हें माता क्यों कहा जाता है? पिता तो ठीक है, अब माता किसको कहें? पहले ज्ञान अमृत कौन पीता है? वह आकर प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो पहले कौन सुनेगा? ज़रूर यह। तो यह माता हो गई, इनके कान पहले सुनते हैं। वास्तव में शरीर माता का नहीं है तो माता कहाँ से लाएं? इसलिए गाया हुआ है जगदम्बा सरस्वती, सरस्वती को सितार है,
वह है ब्रह्मा कुमारी। कुमारी की महिमा बहुत है। ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं है, इतने मेले नहीं लगते जितने जगदम्बा के मेले लगते हैं। जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है उसी पर ज्ञान का कलश रखते हैं। ज्ञान सागर वह है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। पतित है कलयुगी दुनिया, पावन है सतयुगी दुनिया। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। अब उन्हें यह राजाई का तिलक कैसे मिला? गाया जाता है, ज्ञान सागर जब आते हैं तब पवित्रता का कंगन बांधते हैं। बहन मुख्य गिनी जाती है, जो बैठ और बहन भाइयों को राखी बांधती है। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम पवित्र बनो तो तुमको राज तिलक मिलेगा। यह बात है संगम की, जबकि मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आओ। यहाँ तो राजाई है नहीं, बाप कहते हैं तुम पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनेंगे तो राजाई का तिलक तुमको मिलेगा। तिलक कोई दिया नहीं जाता है, यह तो समझाया जाता है। पतित दुनिया में तो है ही पतित का पतित पर राज्य। अब पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा अक्षर भी कहने में आता है, लेकिन है ज्ञान की बात। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन ज्ञान सागर बाप के बच्चे बने हैं, तो ज़रूर हमको पावन बनना होगा। बाकी तो रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने व तिलक देने का सवाल नहीं उठता है। तुम तिलक कहाँ देते हो? भक्ति मार्ग में रसम निकाल दी है, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं हैं। राज तिलक कब और किसको मिला? यहाँ तो है सारी ज्ञान की बात, तो तुमको जाकर समझाना है। यह तुम ब्राह्मणों का काम है। वह जो बहन भाइयों को राखी बांधती परंतु वह खुद पवित्र थोड़े ही रहती है। पहले कुमारी है तो पावन है, फिर पतित बन पड़ती है। माताएं कन्याएं दोनों राखी बांधने जाती हैं तो क्या दोनों पवित्र हैं? माता तो है ही अपवित्र, तो अपवित्र को अपवित्र राखी बांधे तो फायदा कुछ भी नहीं होता। रियलिटी में जो होता है उनका फिर यादगार मनाया जाता है। जैसे कृष्ण जयंती हो गई फिर बाद में बैठकर मनाते हैं। यादगार अथवा बर्थडे मनाना यह तो एक फैशन पड़ गया है। इसमें तो कुछ फायदा नहीं सिवाय खर्चे के। शिव जयंती मनाते हैं अर्थात बर्थडे मनाते हैं, परंतु उनको तो कुछ पता नहीं है शिवरात्रि व शिव जयंती रियल में कब हुई थी। रियलिटी से फायदा होता है, अनरियलिटी से नुकसान ही होता है। यह है ही झूठी दुनिया। राखी उत्सव भी झूठा मनाते हैं, वास्तव में है पवित्रता की बात। पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है। यह तो अभी शुरू हुआ है। पहले तो यह भी नहीं जानते थे कि पतित पावन कौन है, वह कैसे आकर राखी बांधते हैं। तो तुम कभी पतित नहीं बनना। तुम भी सबको यही कहते हो, आज से प्रतिज्ञा करो हम पावन बनाने वाले बाप से स्वर्ग का स्वराज्य लेंगे। पावन ज़रूर बनेंगे। पतित बनाने वाले रावण की सेना बड़ी तंग करती है। बाप कहते हैं अब तुम मेरी याद से पावन बनते जाएंगे, विकर्म भस्म होंगे। भगवानुवाच, माँ में कम याद करो तो इस योग अग्नि से तुम पवित्र बनोगे। इसमें तो राखी की कोई बात ही नहीं। पतित पावन बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे पास्ट के विकर्म विनाश हो जाएंगे और आगे भी कोई विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि तुम पवित्र ही रहेंगे। तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। ब्रह्मा कुमार अथवा कुमारियाँ, पुरुष भी तो ब्रह्मा कुमार है ना। महिमा माता को दे दी है। माता गुरु तो एक हो भी नहीं सकती। ये प्रवृत्ति का मार्ग है। त्यौहार जो मनाते आते हैं वे अंधश्रद्धा से कर लेते हैं पैसा कमाने के लिए। आगे ब्राह्मण लोग तो एक ही किस्म की राखी ले जाते थे, मेल फीमेल सबको बांधते थे, एक पैसा मिल जाता था।
कोई साहूकार आना दो आना दे देते थे। कोई बड़ा साहूकार होता था तो एक रुपया दे देते थे। अभी क्या कर दिया है, बहन राखी बांध तिलक देती है, फिर भाई बहन को अच्छी खर्ची देते हैं, गिन्नी भी देंगे, 50 रुपया भी दे देते हैं। रसम ही बदल गई है, है ब्राह्मण का काम। तुम तो हो सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली, वह तो हैं कुख वंशावली। तुम ब्राह्मण ही देवता बनते हो, ब्राह्मण बन फिर पावन बनना शुरू करते हो। पतित पावन है ही एक बाप। अब कन्या राखी बांधने जाती है, फिर अगर जाकर अपवित्र बनती है तो तिलक तो गुम हो जाता है, राजाई मिलती नहीं। यहाँ तो परमपिता परमात्मा ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि जो पवित्र बनेंगे वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, पावन तो सिर्फ तुम बनते हो। तो तुमको पहले पहले ये समझाना चाहिए कि राखी बंधन है ही पवित्रता की निशानी। तुम इस काम शत्रु को जीतो तो पवित्र बन जाएंगे। मुझे याद करते रहो, याद का बंधन बड़ा कड़ा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। यह बाप ही समझाते हैं कि सत्युग से त्रेता तक तुम पवित्र थे, पवित्र स्वराज्य था, वह कैसे स्वराज्य पाया। ये ड्रामा का चक्र इस रीति फिरता है। पतित पावन बाप ने आकर सबको कहा है कि पवित्र बनो। जो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बन बाप को याद करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी होना है। आजकल की दुनिया देखो कैसी है, गीत भी तो है ना, आज के इंसान को क्या हो गया, कहाँ नया भारत स्वर्ग और कहाँ पुराना भारत नर्क। वहाँ सब एक दो को प्यार करते थे क्योंकि सुख धाम था, यह है दुख धाम। रावण ने राज्य छीन लिया, राम और रावण की कहानी बनानी पड़े। 5000 वर्ष पहले राम राज्य था, स्वराज्य था, अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो तो पवित्र दुनिया का राज तिलक मिलेगा। हम राजयोग सीखते हैं, यह है ही स्वराज्य पाने की पढ़ाई। वह तिलक ब्राह्मण लोग देते हैं, यह स्वराज्य तिलक है, राजाई तुम बच्चों को मिलती है। अगर तुम बच्चे बाप का कहना मानो तो, इसलिए पूछा जाता है पारलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाप एक वही पतित पावन है, कहते हैं पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनो। बाप पावन बनाते हैं संगम पर, अभी संगम है, मौत सामने खड़ा है, इसलिए कहते हैं बाप के बनो, राय भी देते हैं। यह समझ की बात है, भगवान की हम रचना है तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग, बरोबर स्वर्ग था। तुम कहते भी हो भक्तों को भगवान आकर अपने धाम ले जाएंगे, धाम हैं ही दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। भारत जीवन मुक्त था तब दूसरी आत्माएं शांति धाम में थी, सुख धाम था तब दुख धाम था ही नहीं, अब वह सुख धाम फिर दुख धाम बन गया है। यह चक्र रिपीट होता है। कलयुग के बाद सतयुग आता है, सतयुग स्थापन करने वाला एक ही बाप है, वही पतित कलयुगी पतित दुनिया से पावन दुनिया बनेगी, राम राज्य शुरू हो जाएगा। भगवान के महावाक्य हैं, कमल फूल समान पवित्र बनो, काम महाशत्रु को जीतो। बाकी वे ब्राह्मण भी बहन भाई भी सब पतित हैं, पतित पतित को राखी बांधते हैं। यह तो इस संगम पर ही बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। जब तक पतित पावन बाप न आए तब तक स्वराज्य कहाँ। बाबा समझानी देते हैं कैसे किसको समझाओ। बोलो पहले तुम कहते हो पतित पावन आओ,
ये किसको कहते हो? गाते भी हो तुम मात पिता, ये किसकी महिमा करते हो? जरूर भगवान ही ठहरा, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। वह जब आए तब प्रतिज्ञा कराए पवित्रता की। दूसरी बात, तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर का बोझा है। आधा कल्प से रावण राज्य होता है, दिन प्रतिदिन दुखी पतित होते होते एकदम भ्रष्टाचारी हो गए हो। आयु भी छोटी हो गई है, अकाल मृत्यु भी होता रहता है, भोगी भी बन पड़े हो। सत्युग में योगी थे, घर गृहस्थ में रहते हुए उन्हों को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, वॉइसलेस वर्ल्ड। प्रवृत्ति मार्ग तो है ना, राज्य करते होंगे, शादियां आदि भी होती होंगी। वह है पावन राज्य, पतित पावन बाप पतित दुनिया को पावन कैसे बनाते हैं वह बैठ समझो। राखी भी पवित्रता की बांधी जाती है, वंदे मातरम कहा जाता है ना, कन्या भी माता बनती है। यहाँ कन्या माता पुरुष सब पतित से पावन बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं कि मन बना भव, पवित्र बन और मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है, सजाएं खाएंगे तो राजाई पद भी नहीं मिलेगा। जो योग में रहे विकर्माजीत बनेंगे, वही विकर्माजीत राजा बनेंगे। विकर्माजीत का संवत वान से 2500 वर्ष तक, फिर विकर्म राजा का संवत 2500 वर्ष से 5000 वर्ष तक। मनुष्य संवत को नहीं जानते, विकर्माजीत बादशाही सत्युग त्रेता में चलती है, उनको लाखों वर्ष दे दिए हैं और विकर्म संवत को 2000 वर्ष दे दिए हैं। वास्तव में आधा उनका आधा उनका होना चाहिए। यह सब बातें समझने की हैं। पहली बात है पतित पावन कौन है। पतित मनुष्य ही उनको याद करते हैं, पावन याद नहीं करते हैं। वहाँ है ही सुख तो याद नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, योग में रहकर विकर्माजीत बनना है। विकर्मों पर जीत पाने से ही विकर्माजीत राजा बनेंगे। स्वयं को स्वयं ही स्वराज्य तिलक देना है। दूसरा पॉइंट, पवित्र बन, पवित्रता की राखी सबको बांधनी है, कमल फूल समान रहना है। वरदान, नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। रोज अपने सहयोगी सर्व कर्मचारियों की राज्य दरबार लगाओ और चेक करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय व कर्मचारी से बार बार गलती तो नहीं होती है, क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो, तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी। ऐसे स्वराज्य चलाने में जो सफल होते हैं उनसे संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती हैं, वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं। स्लोगन, हर समय करण करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।